दोस्तों, जैसा कि 21 मार्च को सीबीएसई वाले प्यारे प्यारे क्लास 10th बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का। एंड प्यारे बच्चों, अगर मैं सीबीएसई के मैथ, साइंस एंड एसएसटी के पेपर की बात करूं, तो जो एक बहुत बड़ा रियलिटी है वो ये है कि सीबीएसई का जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स का पेपर होता है, वहाँ से अराउंड 70 to 75% क्वेश्चन रेप्लीकेट होते हैं। सर, रेप्लीकेट मतलब कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ डिफरेंट डेटा, विथ डिफरेंट वैल्यूज, उसी को हम लोग रेप्लिकेट बोलते हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि रिपीट होते हैं। यस, यू हैव हियर्ड इट राइट कि 70 to 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आज की वीडियो में जो आपका चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलीनोमियल है, ये दोनों चैप्टर को दिमाग में रखते हुए मैं शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों पास्ट ईयर के मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आपके साथ लेकर आ चुका हूं। और यकीन मानिए कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं आपको बताऊंगा सारा चैप्टर्स का, तो आपका एटलीस्ट 90 to 95% मार्क्स कहीं पर भी नहीं जा रहा है। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, टाइम कम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो को बनाने के पीछे काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपने कर दिया होगा। सो पहला क्वेश्चन जो कि आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से इस टाइप का रहेगा ही रहेगा कि प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज ऑलरेडी एन इरेशनल नंबर। तो आपको √3 इरेशनल नंबर दिया गया है, इसको बेस बनाते हुए आपको प्रूव करना है कि 2 + 5√3 ये भी एक आपका इरेशनल नंबर है। तो प्यार बच्चों, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है, ताकि आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। स्टेप क्या होगा, सिंपली आपको जो प्रूफ करना है, ये आप लोग आर ले लीजिएगा, ये जो पहला वाला रूट है इसको हटाने के लिए आपने स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां से आपका कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि ये वाला जो नंबर है ये रेशनल नंबर है, बट आपको ये भी पता है कि ये वाला नंबर रेशनल नंबर कब होगा, जब हमारा √3 आल्सो रेशनल नंबर होगा। बट हमें पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको प्रूव करना होता है। उसी तरह सेम √5 इज एन इरेशनल नंबर काफी बार आता है, हो सकता है √3 पूछ दे, √2 पूछ दे। तो प्यारे बच्चों, सेम स्टेप होता है। मान लीजिएगा p/q के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर आपको मानना है, जैसे आपने रेशनल मान लिया तो वो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, देन एट द एंड जो आपने रेशनल नंबर माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा एंड आपका इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में तो डिट्टो यही डेटा के साथ आया था, बाकी ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई के लास्ट 10 साल के पेपर में देखा जाए तो 10 साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको पता होगा। सो प्यारे बच्चों, यहां पर यही बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको 2 नंबर है, आपको उसका एचसीएफ अपने एलसीएम निकालना है, तो नॉर्मल मेथड से निकाल लीजिए, देन ये वाले आप लोग फॉर्मूला से वेरीफाई कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यस दिमाग में रखिएगा। ओके, तो अगर आप पहले चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए इससे बाहर शॉर्ट क्वेश्चन, मैं वेरी शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये 3 क्वेश्चन के बाहर बस डेटा चेंज होगा। ओके, तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल वाला, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ईजी है बट अच्छा है। आपको बोला जा रहा है कि सारा जीरोज आपको बताना है, अगर 2 जीरो आपका दिया गया है तो प्यार बच्चों
सोचो इस टाइप का क्वेश्चन आप में यूजुअली क्या होगा। दो जीरो है, टू एंड माइनस फाइव, इसका इसको आप लोग क्या एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फाइव लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देन इसको आपको इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपका ये वाला इक्वेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये लगाइएगा, वहां से आपका अदर टू जीरो आ जाता है। हॉट्स क्वेश्चन है, आपको करना होगा। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। क्या बोला जा रहा है, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको के का वैल्यू निकालना है। जब आपको बता दिया है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू इट्स अ हाफ ऑफ इट प्रोडक्ट्स, मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग माने कि दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो आपको बोला जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये आपका हाफ है प्रोडक्ट के, यानी अल्फा इंटू बीटा बाय टू के है। और आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, ये लगाइए आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिमाग को ओपन रखिएगा, एग्जाम के टाइम में चुटकी बजाते हुए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है, सेम कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, बोला जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपको पता होगा कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, यानी कि आपको सम एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें आपका दो जीरोस दिया गया है, क्या बोला जा रहा है हूज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी अगर आपने एक जीरो को अल्फा माना तो दूसरा जीरो आपका वन बाय अल्फा हो जाएगा। सिंपली ये वाला दिमाग लगाना है, उसके बाद तो आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो चुटकी बजाते हुए आ जाएगा, बस उसके बाद क्या है आंसर आपको आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। ये जनरल फॉर्म होता है जहां पर एस आपका सम है, पी प्रोडक्ट है, सम आ गया प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद यार पुट नहीं कर पाएगा। कितना इजी क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया, सोच सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। ओके समझ में आया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक एच डब्ल्यू क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो जो ऊपर वाला है, आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है ये वाला टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या यहां से आप लोग एक्स का दो वैल्यू नहीं निकाल पाएगा? अरे कितना आसानी से निकल जाएगा, कितना आएगा बताइए, फैक्टराइज करने तो आपको आता ही होगा। यहां पर निकाला है क्या, मैं एक बार देख लूं, नहीं निकाला होगा तो भी कोई बात नहीं, आप लोग दो जीरोस को निकाल लीजिएगा, एक अल्फा आया तो एक बीटा आया, तो जो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या हो जाएगा, एक टू अल्फा हो जाएगा, एक टू बीटा हो जाएगा, खत्म। नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, इसका आप लोग जीरोज निकालिएगा तो कैसे फैक्टराइज कीजिएगा बताइए, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा सिक्स आ जाएगा। ओके तो ये हमारा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताइए, ये हमारा इंटू करने से सिक्स आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको क्या मैं माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री लिख सकता हूँ? यस इसको मैं करूँगा, ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं टू एक्स अगर कॉमन उठा लूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री, यहां से प्लस वन कॉमन उठा लूंगा तो एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, यानी हमारा एक्स का वैल्यू एक थ्री आ रहा है, एक माइनस वन बाय टू आ रहा है। ओके एक थ्री एक माइनस वन बाय टू, इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा अल्फा है, अगर ये बीटा है तो हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का डबल है, यानी कि एक हमारा सिक्स हो जाएगा और एक वन माइनस हाफ का डबल, एक हमारा माइनस वन हो जाएगा, सिंपल। तो दो बार पुट कीजिएगा, आपका क्या पी एंड क्यू का वैल्यू नहीं आ जाएगा, मैंने स्टेप बता दिया है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, अल्टरनेट मेथड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ये तो था हमारा सारा क्वेश्चन, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, आपको ओवरऑल आइडिया देता जा रहा हूं, बाकी सॉल्व आपको खुद से करना है। होमवर्क क्वेश्चन जिसका मैं कोई भी आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, इसको आपको खुद से बनाना है, कि आपको बोला जा रहा है कि जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल का ए एंड टू बाय ए दे दिया। जीरोस मतलब क्या होता है कि इस वाले पॉलिनोमियल को अगर आप लोग एक्स का वैल्यू ए पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, एंड एक्स का वैल्यू टू बाय ए पुट कीजिएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से दो बार आप लोग कर लीजिए, आपका ए का वैल्यू आएगा। देखिए मैंने बोला हिंट नहीं दूंगा, बट मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, कैलकुलेट करना है आंसर क्या आएगा, ये
मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 2016 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बाकी रेप्लिकेट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार। तो जो बच्चा सही आंसर बताएगा उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो जिसमें मैंने दो चैप्टर करवाया। इसी तरह नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी वगैरह का वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।